हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने लिए कोई अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको पता नहीं होता कि आपको कहां पे मूव करना है। तो मूव करने के लिए तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो अगर डिवाइड करें दोनों, तो गवर्नमेंट के लिए अगर आपको जाना है तो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना होगा, SSC हो गया, UPSC हो गया, PCS हो गया, ठीक है, IAS का प्रिपरेशन UPSC के थ्रू हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं गवर्नमेंट में भी जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो आप उसके थ्रू उसको पास आउट करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करना है तो आपके लिए MBA सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास एक ऑप्शन बचता है MBA, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोप लेके चलता है और बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज में इसके फॉलोअर हैं, ठीक है। तो चलिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो दोस्तों, MBA का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो MBA के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं जो कि हमें जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि MBA के विषय में हमें क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है और इसके स्कोप क्या है, कोर्सेस डिटेल क्या है और करियर स्कोप एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी हमें चाहिए ग्रेजुएशन, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन अगर आप हैं, कंप्लीट आपका है ग्रेजुएशन, तो बेसिकली बहुत सारे लोग आर्ट साइड से होते हैं, बहुत सारे लोग कॉमर्स साइड से होते हैं, तो कॉमर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है MBA का स्कोप, क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए बेनिफिट ये होता है कि वो बिजनेस या फिर अकाउंटिंग सेक्टर में जा सकते हैं। और कई सेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर आर्ट साइड वाला कोई बंदा है तो अगर वो आर्ट साइड में ह्यूमन रिसोर्स भी जा सकता है, मार्केटिंग सेक्टर जा सकता है, ठीक है। और भी अगर अलग अलग रोल हैं, वो उस कैटेगरी से MBA कर सकता है। अब चलिए जान लेते हैं कि MBA में कौन कौन से कोर्स हैं। जैसे कि पहला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा आप फाइनेंस से भी कर सकते हो, तीसरा आप मार्केटिंग से भी कर सकते हो, चौथा आप इंटरनेशनल बिजनेस भी कर सकते हो, पांचवा है रूल मैनेजमेंट, और छठा है बिजनेस एनालिसिस, सातवा है सप्लाई चैन सप्लाई मैनेजमेंट आप कर सकते हो, आठवा है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और नाइन्थ है आपका एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस, और टेंथ आपका है हेल्थ केयर। तो आप इन सभी चीज़ों से आप MBA कर सकते हैं दोस्तों। तो अब चलिए जान लेते हैं टाइप ऑफ MBA, MBA कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है एग्जीक्यूटिव MBA। आप एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कि आप किसी से एग्जीक्यूट हैं और वो आपको MBA करा रहा है। दूसरा है आपका ऑनलाइन MBA, आप ऑनलाइन MBA अप्लाई करके घर से MBA कर सकते हैं, वो जिसे कहते हैं डिस्टेंस, दूसरे वर्ड में। दूसरा डिस्टेंस MBA, आप डायरेक्टली डिस्टेंस में भी डिस्टेंस MBA आप कर सकते हो घर बैठ के, ये भी एक सेम वही चीज़ है जैसे ऑनलाइन MBA है, क्योंकि आपको यहाँ पे जाके डिस्टेंस MBA के लिए अप्लाई करना होता है, यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है और आप MBA यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। आपका आता है चौथा अब्रॉड MBA, अब्रॉड MBA आप कर सकते हो। फिर इंटीग्रेट MBA होता है, जो इंटीग्रेट किसी के साथ में आप इंटीग्रेट करके जो MBA कराता है वो है। और लास्ट में आपका आता है 1 ईयर MBA, जहाँ पे आप 1 ईयर MBA कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं MBA के। सो अब जानते हैं कि MBA के स्किल सेट्स। तो पहला है कोलैबोरेटिव टीम, कोलैबोरेटिव टीम का मतलब होता है टीम के साथ में मिलकर अच्छे से काम करना, कैसे आपका वर्क है। दूसरा MBA हमें ये सिखाता है। दूसरा इंटरेक्टिंग विद पीपल, MBA का सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो इंटरेक्ट करना पीपल को, जितने भी आपके क्लाइंट हैं उनको कैसे इंटरेक्ट करना है एंड हाउ टू मेक बिजनेस, ओके। तो ये दूसरा पार्ट हमें दिखाता है। दूसरा क्राइसिस हैंडलिंग, क्राइसिस जो भी कोई भी क्राइसिस हो गया, कोई भी प्रॉब्लम्स हो गए या फिर कोई भी चीज़ें आपकी कंपनी में होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। तीसरा आता है स्ट्रैटेजिक रिसर्च एनालिसिस, स्ट्रैटेजी बनाओगे, रिसर्च करोगे और एनालिसिस करोगे कि आप में क्या क्या चीज़ें कमियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छाइयाँ हैं और कैसे कैसे लोगों को इंटरेक्ट करना है। और लास्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स, कैसे आप कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते हो, अपनी बातों को उनके सामने रखते हो, कैसे प्रोडक्ट को आप सेल आउट करते हो, दैट इज़ द कम्युनिकेशन पार्ट। तो चलिए आप जान लेते हैं कि हमारे top 10 कॉलेजेस कौन से हैं, ठीक है, और लिस्ट देखते हैं। सो पहला नाम आता है IIM अहमदाबाद, अहमदाबाद इसकी रैंकिंग है अंडर 5, 4.659। और दूसरा है कैलकाटा IIM, वो 4.65 है। तीसरा है बैंगलोर, तो बैंगलोर का है 4.6, ये भी सेम वही है।
और चौथा दिल्ली का है FMS 4.48 और पांचवा है XLRI जमशेदपुर जो कि 4.3 है और छठा है IIM लखनऊ, सेवन्थ है IIM काजी खोड़े ठीक है और आठवां है IIM इंदौर, नाइन्थ आपका है SPJIMR मुंबई और टेंथ आपका है IIFT दिल्ली। सो ये कॉलेजेस हैं जो कि टॉप 10 रैंक कर रहे हैं अभी गूगल पे, तो आप वहाँ पे जाके इनके विषय में जान सकते हो। कॉलेजेस पे जाके आप इनके विषय में और भी सर्च कर सकते हो, रैंकिंग देख सकते हो और लोगों का इस पर कमेंट क्रिएशन जो भी चीज़ें आपने आपको चाहिए वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा और आप प्रॉपर इसको सर्च करके और इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हैं। इसके फ़ीस वगैरह में भी आप वहाँ पर जान सकते हैं।